तो सियासी हलचल चल रही है वहाँ पे। जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल एक फेसबुक लाइव किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, शिवसेना से ही कोई मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने सीएम हाउस छोड़ के अपने घरों चले गए। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, जिस पार्टी ने एक वोट कम होने की वजह से सरकार को लात मार दी और फिर जनता के बीच गए, इलेक्शन कराया। और एक दूसरी भारतीय जनता पार्टी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, जो साम दाम दंड भीड़, जो पैसे से डंडे से एजेंसियों का इस्तेमाल कर कर जोड़ तोड़ की सरकार बनाने में विश्वास रखती है, जो विधायक खरीदने में विश्वास रखती है, मैं इन दोनों भारतीय जनता पार्टी, एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भारतीय जनता पार्टी और एक आज की भारतीय जनता पार्टी का, दोनों का कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी थी जो नेचुरल मेजॉरिटी में विश्वास रखती थी कि लोगों द्वारा दिए गई मेजॉरिटी के आधार पर हम सरकार बनाएंगे, और एक आज की भारतीय जनता पार्टी है जो एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी बनाने में विश्वास रखती है, जो नेचुरल मेजॉरिटी में विश्वास नहीं रखती। और आज इस देश के अंदर जो विधायकों की खरीद फरोख्त, जो एजेंसियों और डंडे के डर से विधायकों को जैसे जहाज़ों में बिठाकर, गाड़ियों में बिठाकर, आलीशान होटलों में कैद किया जा रहा है, ये सब सत्ता का गंदा खेल आज लोगों के सामने, और मुझे लगता है कि लोग तय करेंगे। बस एक बात कहना चाहूँगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट डालते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीद कर, जोड़ तोड़ कर कर एक आर्टिफिशियल मेजॉरिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये लोग देख रहे हैं और लोग सही समय पर इसका जवाब भाजपा से लेंगे।